बुरला में जोगी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुनील केशरवानी ने मंत्री के नाम प्राथमिक शाला और आंगनवाड़ी के जर्जर भवन के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बुरला ब्लॉक के तहत ग्राम मुकाम में प्राथमिक शाला और आंगनवाड़ी भवन जर्जर स्थिति में है, जहाँ बच्चे डर के माहौल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि दूसरा डर जंगली हाथियों का है। वहीं जोगी कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष बिहारी पटेल ने कहा कि आने वाले दिनों में यहाँ की स्थिति नहीं बदली और छात्रों को कुछ नुकसान हुआ तो इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। जोगी कांग्रेस जल्द ही ग्रामवासियों के साथ मिलकर आंदोलन करेगी। मामला ये था कि ग्राम मुकाम ग्राम पंचायत चंद्रा विकासखंड बुरला के अंतर्गत आता है। वहाँ के बच्चे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। कारण ये है कि वहाँ का जो भवन है पूर्ण रूप से जर्जर हो चुका है। बरसात के दिनों में पानी भर जाता है तो बच्चे वहाँ बैठ नहीं पाते हैं। यदि आने वाले दिनों में शीघ्र ही इस पर कार्यवाही नहीं होती है, भवन का निर्माण नहीं होता है, बच्चों को भयमुक्त शिक्षा नहीं दी जाती है, तो आने वाले दिनों में जोगी कांग्रेस के द्वारा ग्रामवासियों के साथ मिलकर उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।